देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बॉलीवुड हमेशा से ही ऐतिहासिक कहानियों को फिल्मों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता आया है, जिसे हर बार सराहा भी जाता है, जैसे कि बाजीराव मस्तानी और जोधा अकबर। लेकिन इस बार बंसाली द्वारा बनाई गई पद्मावती फिल्म का विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। चित्तौड़ की महारानी पद्मावती पर आधारित फिल्म पद्मावती की जो विरोध की आग है, अब वो राजस्थान के रजवाड़ों की गलियों से निकलकर अब पूरे समाज में फैलने लगी है। कहीं बंसाली के पुतले जलाए जा रहे हैं तो कहीं फिल्म के पोस्टर जलाए जा रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट थी 1 दिसंबर, जिसे विरोध के चलते 8 दिसंबर कर दी गई थी। लेकिन अब तो ये हालात आ गए हैं कि फिल्म की रिलीज डेट ही तय नहीं है। दरअसल करणी सेना कहना है कि पद्मावती फिल्म में खिलजी और पद्मावती का एक प्रेम प्रसंग सीन दर्शाया गया है, जो कि इतिहास के साथ एक बहुत बड़ी छेड़छाड़ है, साथ ही पद्मावती का अपमान है। वहीं एक रियलिटी शो में पहुंचे दीपिका पादुकोण ने साफ तौर पर यह चीज कही थी कि उन्होंने पद्मावती की शूटिंग के दौरान एक सीन भी रणवीर सिंह के साथ नहीं किया है। वहीं बंसाली का भी यही कहना है कि पहले फिल्म को देख लिया जाए, तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। तो आपके मन में अब उधेड़ बुन शुरू हो चुकी होगी कि आखिर में पद्मावती है कौन, आखिरकार पद्मावती और खिलजी का नाम साथ में क्यों जोड़ा जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिरकार पद्मावती है कौन और क्या है उनकी कहानी। कहा जाता है कि चित्तौड़ के महाराजा की पत्नी थी पद्मावती, और पद्मावती की खूबसूरती के जो चर्चे थे वो हर जगह फैलने शुरू हो गए थे। वहीं महल में था एक राघव चेतन जो संगीतकार था, किसी कारणवश उसे बाहर निकाल दिया गया, जिसका बदला निकालने के लिए वो पहुंच गया दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास। और बातों ही बातों में उसने पद्मावती की खूबसूरती के बारे में इस तरह बताया कि खिलजी बातों ही बातों में पद्मावती के दीवाने होने शुरू हो गए। वहीं खिलजी ने मन ही मन ये चीज ठान ली कि अब तो वो पद्मावती का चेहरा देखे बिना नहीं मानेंगे। बस फिर क्या था, खिलजी ने लिखा एक पत्र और दिया रतन सिंह को। पत्र में लिखा था कि पद्मावती मेरी बहन है और मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। वही राजा रतन सिंह अच्छे से खिलजी के मंसूबों को जानते थे, लेकिन फिर भी अपने राज्य और प्रजा को बचाने के लिए उन्होंने इस फैसले पर हामी भर दी। पद्मावती ने अपने चेहरे को दिखाने के लिए हामी तो भर दी, लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी थी। उनकी शर्त ये थी कि खिलजी जब उनका चेहरा देखेंगे तो वो प्रतिबिंब के सहारे उनका चेहरा देखेंगे। अगले ही दिन जब खिलजी पद्मावती को देखने के लिए पहुंचे तो खिलजी को दुर्ग पर खड़ा किया गया और खिलजी के सामने रखा गया था एक शीशा। दुर्ग के बिल्कुल नीचे था तालाब और तालाब के किनारे खड़ी थी पद्मावती। पद्मावती ने जैसे ही झांका तो उनके चेहरे का प्रतिबिंब सीधा तालाब से शीशे की तरफ गया, और तब देखा पहली बार खिलजी ने पद्मावती का चेहरा। फिर क्या था, खिलजी ने मन ही मन ठान लिया कि अब तो वो पद्मावती को पाकर ही रहेंगे। खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करवाया और आक्रमण में विजय हुए। युद्ध के दौरान जो रतन सिंह थे वो वीरगति को प्राप्त हो गए। वही पद्मावती जो एक राजपुताना महारानी थी, उन्होंने एक निर्णय लिया कि गैर मर्द की नजर पड़ने से अच्छा है कि वो जौहर में कूद कर अपनी जान दे दे। फिर क्या था, पद्मावती और सभी महिलाओं ने एक विशाल चिता जलाई और उसमें कूद कर सभी ने अपनी जान दे दी। जैसे ही खिलजी महल में पहुंचे तो चारों तरफ लाशें ही लाशें और राखों का ढेर था। तो ये थी कहानी पद्मावती की। अब फिल्म पद्मावती में इतिहास को किस तरह दिखाया जा रहा है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएगा।